डोकलाम पर चीन को घेरने के लिए भारत ने एक सीक्रेट प्लान किया है, जिसके तहत सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, विदेश सचिव विजय गोखले और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल इस महीने के शुरुआत में चुपचाप भूटान के दौरे पर गए, जहां उन्होंने भूटान के नेतृत्व के साथ डोकलाम में हालात और इस पठार के आसपास चीन के निर्माण कार्य को लेकर अहम चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर समीक्षा की। बताया जा रहा है कि ये दौरा 6 और 7 फरवरी को हुआ। प्रमुख भारतीय अधिकारियों और भूटान सरकार के बीच बैठकों से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस बात पर भी विचार हुआ है कि दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत कैसे किया जाए। दोनों ही पक्षों ने इस दौरे को बेहद गोपनीय रखा। भूटान चाहता है कि डोकलाम में शांति बनी रहे। आपको बता दें कि पिछले साल इस इलाके में भारत और चीन की सेना 72 दिन तक आमने सामने खड़ी रही थी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।